कोरोना के नए वेरिएंट AY.42 की तीव्रता अन्य सभी वेरिएंट की तुलना में बहुत कम होकर 0.1% है। ये इतनी कम है कि चिंताजनक नहीं मानी जा सकती। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसा कॉन के साप्ताहिक बुलेटिन में कहा गया है कि अन्य डेल्टा वेरिएंट से तुलना करने पर AY.42 की प्रभावशीलता अलग नहीं लगती है। इसा कॉन का कहना है कि AY.42 वेरिएंट की तीव्रता अन्य सभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले इस बार 0.1% से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में ऐसा कोई बायोलॉजिकल आधार नहीं है जिसमें इस वेरिएंट की संक्रामकता बढ़ने का महामारी के संदर्भ में आकलन किया जा सके। इसकी आगे जाँच चल रही है। इसा कॉन ने कहा है कि डेल्टा B.1.617.2 और AY.X भारत में अभी नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट VOI बने हुए हैं। भारत में डेल्टा का पहला दौर पिछले साल अक्टूबर में आया था। इसके कारण देश में भयावह दूसरी कोरोना लहर चली थी और ये अप्रैल मई में पीक पर थी। क्या है इसा कॉन? इसा कॉन देश की 28 राष्ट्रीय लेबोरेटरी का महासंगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 2020 में की गई थी। इसका मकसद SARS-CoV-2 जिसके कारण कोरोना महामारी फैली है के जीनोमिक वेरिएंट पर नजर रखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होकर ये देश भर में अपने नेटवर्क के जरिए कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।